सबसे पहले मतदान करने वालों में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा में मतदान किया। मतदान के बाद मंत्री लखमा ने बस्तर सीट के कांग्रेस उम्मीदवार दीपक बैज के जीत का दावा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, देश में कांग्रेस की लहर है, लोकसभा में कांग्रेस सरकार बनाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले बस्तर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार बैदूराम कश्यप, पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने भी लाइन में खड़े होकर अपना वोट डाला। जी बोलिए, बताइए दादी। आज पूरा देश में, हमारा हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव हिंदुस्तान का दिशा दशा तय करेगा और बस्तर के लोकसभा सीट सबसे पहले सरन में हो रहा है। मैं अभी वोट डाल के आया हूँ। मैं बस्तर का जनता को, देश का जनता को ये आह्वान करूँगा, ये चुनाव इस देश के लिए विकास, देश का दशा दिशा तय करने के लिए अपना मन से बिना डर भय से लोग घर से निकल कर अपना मतदान करे, मैं यही अपील करता हूँ। अब मेरा पूरा आशा है कि बस्तर का जनता इस लोकतंत्र के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए वोट डालेंगे और सुबेरे से अरने को जगह टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ, लाइन लगा है। इस समय पूरा उम्मीद है कि 20 साल के बाद बस्तर का सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। हमारे चित्रकूट का विधायक को राहुल गांधी ने प्रत्याशी बनाया है, योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। उसी का लड़ाई में लोंडीगुड़ा का जमीन नापास हुआ है, इसलिए आवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। बस्तर का भी सीट जीतेंगे, कांकेर का भी सीट जीतेंगे, छत्तीसगढ़ का 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। देश में जो फेंकने वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान में सबसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकने के लिए देश का जनता, देश का आह्वान तय कर चुका है। देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश का विकास हो और बस्तर का विकास हो। बस्तर के लोग विकास की ओर देख रहा है। लोग विधानसभा में बम्पर पढ़ के कांग्रेस पार्टी को चीट मिला है। इसी प्रकार भूपेश बघेल का नीति, 4 महीना का सरकार, कर्जा माफी, 2500 रुपया दान और लोंडीगुड़ा का जमीन आदिवासी का आपस करना, तेंदुपत्ता का 4000 रुपया मिलना, इसका उदाहरण है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का 11 का 11 सीट जीतेंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के समय सरकार जरूर बनेगा और आम मतदाता को, आम बस्तरिया लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि इसको हमारे चार जिला में 7 बजे से 8 बजे चुनाव होगा और 4 विधानसभा में 8 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.clips.in.